हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता मलाई कुल्फ़ी। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। कितना क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी इसमें आइस नहीं है। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है मलाई। 1 कप मेरी मलाई है, बिल्कुल फ्रेश, जो होती है दूध के ऊपर आई हुई मलाई, वो है 2-3 दिन की रखी हुई। 2 चम्मच पाउडर शुगर लिया है मैंने और थोड़ा सा लिया है दूध, मात्र आधा कप। अब इन सब चीज़ों को एक जार में डाल देते हैं। पहले मलाई डाल दी, अब मैं इसमें पाउडर शुगर डाल देती हूँ। ये मैंने घर में, आप चाहें तो चीनी को पीस के भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल देती हूँ। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कुल्फ़ी में। और अब हम अपना डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता। बस हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हमें बहुत कम टाइम के लिए करना होता है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से, ऐसे हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। ये ना हो, मैं वैसे हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। मात्र 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा मत करिएगा। मेन पर्पस है हमारा मिक्स हो जाए बस मलाई। ज़्यादा अगर हमने चला दिया तो इसमें घी बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा ही बस मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स हो जाता है, जैसे क्रीमी टेक्सचर आ गया, देखिए मेरा, इतना ही मिक्स करना। बस अब हम इसको जमाने के लिए रख देंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ऐसे आपके पास मोल्ड हो तो ठीक है। आप पेपर कप भी ले सकते हैं इस तरीके से। आपके पास अगर ये ना हो, आपके पास कांच का गिलास है, आप उसमें भी जमा सकते हैं। इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास भी ले सकते हैं, कोई कटोरी ले सकते हैं, स्टील का बर्तन ले सकते हैं। और यह आपके पास ऐसे मोल्ड है कुल्फ़ी की, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए इनको जमाने के लिए रख देते हैं। आप किसी में भी जमाइएगा। आपको मैं बता दें, आइस इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको देखिए, इस तरीके से अगर आपने जमाया जैसे मैंने आपको बताया है, तो बिल्कुल भी आइस नहीं आएगी इसमें। तो खैर, कुल्फ़ी मोल्ड में तो आपके पास कैप होती है इसमें लगी ऊपर से। जैसे मैं ग्लास में आपको जमा के भी दिखाऊंगी, उसमें आपके ऊपर ढक्कन नहीं होता, तो आप कैसे उसको बंद करेंगे, मैं उसका तरीका भी आपको बता दूंगी। देखिए, मैंने तैयार कर दिए सारे, ये मेरे सारे बंद हो गए। अब मैं आपको उसमें भी कुल्फ़ी जमाना बता देती हूँ। देखिए, मैंने ये लिए पेपर कप और प्लास्टिक का मोल्ड, इसमें मैंने डाल दिया इस तरीके से। इसमें तो ढक्कन होगा, हम इसमें ढक्कन बंद कर सकते हैं, मगर पेपर कप के ऊपर ढक्कन नहीं होगा। या हम वो कोई भी ले लें बर्तन, स्टील का गिलास भी या कांच का गिलास भी, उस पर ढक्कन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे। देखिए, इसमें ढक्कन बंद कर दिया हमने। अब इसके लिए हमने ले लिया है पॉलीथीन। ये सबके घरों में आम मिल जाती है। अगर आपके पास पॉलीथीन ना हो तो आप वो भी ले सकते हैं, फॉइल पेपर या क्लिंग रैप भी। और इसको एक रबड़ से इस तरीके से पैक कर दीजिए। बस देखिए, आपकी बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। बहुत अच्छी आपकी कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। अब इसको पूरी रात के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में। मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया, या 6 से 7 घंटे के लिए। अब निकाल के देख लेते हैं। देखिए, निकालना भी इनको बहुत आसान है। देखिए कितनी बढ़िया जमकर तैयार आई हैं ये। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास जम रही हैं। और इसको निकालना बहुत आसान है। इस तरीके से आप थोड़ा सा रब करेंगे और आराम से निकल जाती है। देखिए, ये देखिए कितना क्रीमी टेक्स्चर है इसका। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार आई है। और पेपर कप से तो ऐसे ही हट जाएगी, हल्का सा आप करेंगे ऐसी यूँ ही हटेगी, और इस तरीके से निकालेंगे तुरंत बाहर आ जाएगी। ये देखिए, और ऐसे ही हम अपने मोल्ड से भी निकालना चाहें, उससे भी बहुत आसानी से निकल जाती है। मतलब बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी बनती है और बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। आप ये देखिए, घर में सिर्फ घर की 2 चीज़ों से हमने बनाई है, मलाई से और दूध से। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही मतलब कि अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि हमारी मलाई से दूध से बनी हुई है। तो हमारी केसर पिस्ता मलाई कुल्फ़ी बन करके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसको बनाने के लिए ना तो हमने बहुत अधिक दूध का इस्तेमाल किया है, ना गैस का इस्तेमाल किया, और बहुत जल्दी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप भी इस तरीके से अपने घर में केसर पिस्ता कुल्फ़ी बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।